हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द फूडी विहारम। सुबह की शुरुआत हुई है नंदनी भिकारन को देखते हुए, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी बेस्टी के रूम चाय पीने के लिए। लेकिन मेरी बेस्टी तो व्लॉग में आएगी नहीं, ये संदिग्ध मामला है। गाइस, यहाँ रही रिशु दीदी, और मैं थोड़ा सा ऐसे 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 करके घुमाऊंगी तो मेरी बेस्टी भी दिख जाएगी। ऐसे ऐसे दिखाती हूँ मैं, ये मेरी बेस्टी का आधा पैर और शरीर दिख रहा है गाइस। मैं अगर इससे ज्यादा घुमाऊंगी तो मेरी बेस्टी कलेश हो कहने लगेगी, तो ठीक है ऐसे ही ठीक है। अब मैं चाय पी लेती हूँ। मैंने नहा लिया है, मैंने पूजा भी कर लिया है, और मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ नहाने से पहले काट के रखी थी। अभी मैं बनाऊँगी पोहा, पोहा बनाएंगे, खाएंगे, उसके बाद जाएंगे लाइब्रेरी। अभी अप्रॉक्स आई थिंक 10 समथिंग हो रहा हो, 11 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे, 11 बजे लाइब्रेरी चले जाएंगे, फिर 2 बजे तक पढ़ेंगे और देखेंगे, वापस आ जाएंगे कुछ खाना। आज सैटरडे है तो सोची है रानू की खिचड़ी बनाएगी, वो तो खिचड़ी बनेगा और खिचड़ी खाऊंगी मैं। क्या था सैटरडे को, कुछ शनिचरा ग्रह को लेके था खिचड़ी, और सैटरडे के बारे में कोई बहुत अच्छा लाइन था, मुझे याद ही नहीं आ रही है। जब मुझे याद आएगी तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। गाइस, यहाँ पे बन चुका है पोहा, और मैं लेके आ गई हूँ पूजा दीदी के रूम, देख सकते हैं आप। यहाँ पे पोहा खाया जा रहा है, और ये रही मैं। अभी मैं भी बैठूँगी खाने, क्योंकि मैं थोड़ा छोड़ दी हूँ, क्योंकि मैं खाने बैठूँगी तो फिर मैं किसी को खाने दूँगी नहीं, मैं 2 मिनट में सारा खा जाऊँगी, मैंने थोड़ा रेस्ट लिया हुआ है। ये है बिज्जू आम, ये आया है नंदनी के घर से, तो बिल्कुल मेरे नाक के इतना बड़ा है, छोटा सा मतलब मेरा नाक बड़ा है, और ये आम छोटा है। ये है बिज्जू आम। गाइस, नंदनी ने मुझे ये नेल पेंट लगा दिया है, और मैंने इसे लगा दिया है, और यहाँ रही नंदनी विकारन। गाइस, इसकी वजह से अभी तक हम लोग लाइब्रेरी नहीं जा पाए, इसको हम कितने देर से बोल रहे रेडी हो रेडी हो रेडी हो, लेकिन ये रेडी नहीं हो रही है, काम चोर हो गई है ये। ये रिशु दीदी है, ये जा रही है मुजफ्फरपुर, संभल के जाइएगा दीदी, बाय। ये 25 को आएंगी, 25 को, तब तक ये मेरे ब्लॉग में नहीं दिखेंगी, और मेरी बेस्टी तो यहाँ पे रहते हुए भी मेरी बेस्टी तो नहीं दिखेगी इस ब्लॉग में गाइस, क्योंकि वो मेरी बेस्टी मेरे ब्लॉग में आजकल आती नहीं है गाइस। तो गाइस, फाइनली मैंने नंदनी को बहुत समझाया कि नंदनी बेटा ऐसे नहीं चलता है, तुम्हें पढ़ना लिखना पड़ेगा, अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ करना है तो तुम्हें पढ़ना लिखना पड़ेगा, तब जाके ये रेडी हुई है लाइब्रेरी जाने के लिए। फिर मैंने इसे बहुत अच्छे से प्यार से समझाया, पुचकारा कि चलो रेडी हो जाओ, चलो पढ़ने चलते हैं, क्या टाइम पास करोगी यहाँ लॉज में बैठ करके, बस फ़ोन देखोगी, रील चलाओगी, फिर जाके ये किसी तरह रेडी हुई है, और मैं इसे लेके जा रही हूँ लाइब्रेरी। तो सॉरी, ये तो इंस्टा नहीं चलाती है, शॉर्ट्स देखते रहती है, यूट्यूब शॉर्ट्स। मैंने इसे बहुत समझाया गाइस, आप लोग भी कमेंट में बोलो नंदनी पढ़ो, नंदनी पढ़ो, नंदनी बेटा पढ़ो, आगे बढ़ो, हमारा नाम रोशन करो। चलो फिलहाल तो छाता में आ जाओ नंदनी। गाइस, आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसके लिए कितना कुछ कर रही हूँ, अगर ये फ्यूचर में कुछ करेगी तो इसे मुझे एक प्रॉपर ऐसे स्पीच देना पड़ेगा कि रिया थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं आगे बढ़ी हूँ जिंदगी में, तुमने मुझे मोटिवेट किया। मोटी तो मैं हूँ ही, मैंने वेट कर दिया मोटिवेट, मैं आ चुकी हूँ लाइब्रेरी, और रोज़ की तरह ये बोतू आज भी मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं अपने पीछे भी एक बोतू को लेकर आई हूँ, चुप रहो, एक बोतू इधर और एक बोतू इधर, मैं तो क्यूट हूँ, मैं भी बोतू हूँ, लेकिन मैं क्यूट बोतू हूँ, वो मरखन्नी बोतू है। गाइस, तो अभी हम आए हैं सबरंग, उनको एक दो जींस चाहिए था, तो लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते देर हो गए, थोड़ा सा निकल जाए, जस्ट शॉर्ट गर्ल्स बॉडी, बॉडी में तो ये बहुत सही आया है, तो बहुत ज़्यादा लंबा है। हम लोग गए थे सैंडिस, वहाँ से गए थे विशाल मेगा मार्ट, और ये है आयुषी, ये उनकी चचेरी बहन है, कल इसका एग्जाम है तो ये गांव से आई है। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी प्यारी खूबसूरत बहन को, गाइस ऐसा हो गया, यही तो गलतफहमी इसका, हम इसके बारे में अच्छा बोलते हैं कि मेरी प्यारी खूबसूरत बहन, लेकिन इसको ये उल्टा लग जाता है। आयुषी, आपको मान लेना
ऐसे पूछ रही जैसे फोन सही ऐसे करके पिला देगी। यहाँ है मोमो, यहाँ है आयुषी, यहाँ है नंदनी विकारन गाइज, यहाँ मेरी प्यारी खूबसूरत बहन, और ये देखिए नंदनी विकारन को गाइज। यहाँ पे चाय, घर से आया था दूध, आयुषी घर लेकर आई थी चाय बनाया गाइज। अभी बजा है रात के 11 और मेरी प्यारी बेस्टी ने बनाया है मसाला वाला खिचड़ी, क्योंकि आज सैटरडे है और आलू बैंगन का सब्जी, सब्जी ना ये सब्जी देख के ही लग रहा था, मैं सब बोल रहा था वो मालूम की सब्जी आलू बैंगन का कोई भी सब्जी अच्छा ही बनाती है, सब खाना अच्छा बनाती है। तो गाइस दोनों खाएंगे खिचड़ी और सब्जी, सब्जी बचा के रखेंगे और सुबह मूढ़ी सब्जी खाएंगे। ये है एकदम टेस्टी टेस्टी खिचड़ी और ये आलू बैंगन का सब्जी। गाइस सैटरडे को खिचड़ी खाइए, शनिचरा ग्रह दूर भगाइए, सुबह यही वाला आपको याद नहीं आ रहा था, मैंने खिचड़ी के रिलेटेड कुछ बोला था बट यही वो लाइन था जो हम बोल रहे थे। और एक और लाइन जो मेरी मम्मी सिखाई है, खिचड़ी के हैं चार यार, दही पापड़ घी अचार, यहाँ पे बस घी अवेलेबल है अचार भी नहीं है, वी आर वेरी गरीब। पापड़